रेडमी नोट 4 के लिए प्रोजेक्ट एलेक्जर 3.6 का लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी जो है वायरेड के लिए और मी 11 एक्स के लिए भी जो है एसेंट ओएस 7.0 की लेटेस्ट बिल्कुल एंड्रॉयड 13 का आया हुआ है, तो उसका रिव्यू भी एक दो दिन में कर दूंगा, क्योंकि मुझे अभी सर्दी हो गया था, खांसी उसी भी, तो ज़्यादा लंबा बोल नहीं पाता और उसकी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, आधे घंटे करीब तो होगी होगी, क्योंकि कस्टमाइजेशन कुछ ज़्यादा ही उसमें मिलता है बाकी रोम्स के मुकाबले। अगर आप देखोगे तो पहले की वीडियोस आप देखोगे तो आपको पता ही होगा। फिलहाल इसमें तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट एलेक्जर 3.6 के बारे में बात करें, बट उस पर भी मैं काम जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि नोट 4 के अंदर इस अपडेट में फिलहाल क्या कुछ हमें मिलने वाला है। अबाउट फोन के अंदर एंड्रॉयड वर्जन 13 मिलता है, सिक्योरिटी पैच फरवरी 2023 का है, वहीं प्रोजेक्ट एलेक्जर वर्जन 3.6 मिल जाता है, कर्नल बिल्कुल सेम वर्जन के साथ सेम रहने वाला है, सेलेनेक्स स्टेटस भी हमें सेम मिल जाता है, इन्फोर्सिंग रहेगा। और अब बात करें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स में, जो ये पूरी सेटिंग इसकी कार्ड स्टाइल में आती है बट सिस्टम के अंदर नहीं आता था, और भी कुछ जगह अब आपको कार्ड स्टाइल में ही सेटिंग्स मिलने वाली, तो कार्ड स्टाइल वाला और जगह भी अप्लाई हो चुका है सेटिंग्स में, तो एक चेंज आपको मिलेगा। एंड अगर बात करें नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जो हॉटस्पॉट की पहले प्रॉब्लम आती थी वो कंटिन्यू अभी आ रही है, अभी भी आपको देखने को यहाँ पे प्रॉब्लम मिलता है हॉटस्पॉट के अंदर में, तो ये फिक्स नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर हमारा जो कास्ट है ये जरूर यहाँ पे फिक्स हो चुका है इस अपडेट के अंदर में। एंड डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे अगर आप जाते हो तो इसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलता, इस अपडेट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो डिस्प्ले जैसा पहले था उसी तरीके से रहेगा, ब्लर और वॉलपेपर जूम इफेक्ट ऑफ ही रखना, बाकी आपका यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है। एसेंस की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर थीम्स आपका सेम रहेगा, थीम्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पे वाईफाई आइकन स्टाइल सब आपके पहले वाले ही हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर में भी हालांकि यहाँ पे इस अपडेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बट एक चीज़ आपको बता दूँ, जितनी भी जगह आपको सीक बार ये मिलते हैं, इस तरह के जो है ये सीक बार मिलते हैं, सभी जगह अब आपको ये मोटे वाले मिलेंगे, काफ़ी पतले काफ़ी पहले देखने को में मिलते थे, लेकिन अभी सभी जगह जो सीक बार है अब इसी तरीके से देखने को मिलने वाला था, ये चेंज हुआ है, सीक बार डिज़ाइन थोड़ा यहाँ पर चेंज हुआ है। और स्टेटस बार के अंदर आप क्विक पुल डाउन ऐड कर दिया गया है, तो ये आप यूज़ कर पाओगे, और यहीं पे स्टेटस बार आइकन्स में नीचे वाईफाई टाइप आइकन जो है देखने को मिल जाता है, जो कि 5 या 4 शो करता है, और आइकन मैनेजर के अंदर कोई चेंज नहीं है, वोल्टी आइकन अभी भी नहीं मिलता है इसके अंदर में, ट्रैफिक इंडिकेटर या क्लॉक की सेटिंग सेम रहेगी, बट बैटरी स्टाइल 7 से 8 बैटरी स्टाइल न्यू ऐड किए गए, तो बैटरी स्टाइल आपको यहाँ पर न्यू देखने को अब मिल जाता है इस अपडेट के अंदर में, और फिर यहाँ पे हमें कोई चेंज और देखने को नहीं मिलता। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे क्विक सेटिंग्स के बारे में, तो क्यूएस कस्टमाइजेशन में अगर आप जाते हो तो इसके अंदर वाइब्रेट ऑन टच का ऑप्शन अब मिलेगा, जो कि टाइल को टच करोगे तो वाइब्रेट करेगा इसको ऑन करने के बाद में, तो ये न्यू ऐड हुआ है। और फिर बाहर में यहाँ पर हालाँकि और कोई चेंज आपको बाहर में नहीं मिलता, और जेस्चर के अंदर यहाँ पे भी हालांकि इस वाले जेस्चर में कोई चेंज नहीं हुआ है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट अच्छे से काम कर रहा है, बट इस वाले जेस्चर की सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा चेंज होगा, हालांकि ये जेस्चर अभी भी काम नहीं करता, बट यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी कार्ड स्टाइल में अब सेटिंग मिलेगी, और जितने भी सीक बार वाले हैं नीचे हो गए हैं, और बाकी टोगल वाले जो थे ऑप्शन सब एक साथ कर दिया गया, पहले अलग अलग थे, अदर कंट्रोल का सेक्शन बना दिया गया, वो सब ऊपर मिल रहा है, और कार्ड स्टाइल सेटिंग जैसे कि अब बताया कि कुछ कुछ जगह कार्ड स्टाइल अब अप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ पे भी मिलेगा, और साथ साथ बटन के अंदर में भी कार्ड स्टाइल मिलेगा, जो कि पहले आपको यहाँ पे भी कार्ड स्टाइल नहीं मिलता था सेटिंग, यहाँ पे भी अब मिल रहा है, और दोनों ऑप्शन पहले अलग अलग थे अब साथ में देखने को मिल जाते हैं। और फिलहाल यहाँ पे बाहर में कहीं पर कोई चेंज यानी कि आपको देखने को नहीं मिलता है, और मिसलेनियस पूरा सेम रहेगा, मिसलेनियस के अंदर में इस अपडेट में कोई चेंज नहीं हुआ, मिसलेनियस ए टू जेड जितनी भी आपको सेटिंग्स पहले मिलती थी वही सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। और वॉलपेपर स्टाइल में न्यू वॉलपेपर की अगर बात करें तो इसके अंदर ये जो प्रिंट अप्लाई मिल रहा है ये न्यू वॉलपेपर इसके अंदर ऐड किया गया है, और कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और बैटरी की सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे सेटिंग्स के मामले में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बट बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 90% मिला, वहीं पिछले में 86 था। कर्नल सेम है बट बैटरी आपको यहाँ पर इंप्रूव देखने को मिलने वाली, पिछले अपडेट से अब बैटरी थोड़ी बेटर मिलेगी। एंड नोटिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, और साउंड एंड वाइब्रेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर भी इस अपडेट में फिलहाल कोई भी चेंज नहीं हुआ है, साउंड एंड वाइब्रेशन भी पूरी तरीके से सेम ही मिल जाता है इसके अंदर भी, इस अपडेट में कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑडियो एम्पलीफिकेशन ये सब काम करता है। ऐप्स की अगर बात करें तो ऐप्स के अंदर अभी भी जो है यहाँ पे ओके गूगल का बग मिलता है, असिस्टेंट यानी कि काम नहीं कर रहा है, हालांकि रोम जीएसएम कोड के साथ में आता है बट अभी भी असिस्टेंट का बग है,
बाकी गेम स्पेसेस सब सेम है, लॉन्चर भी आपको पूरा सेम मिल जाएगा लॉन्चर के अंदर में भी। हालांकि हमें यहाँ पे इस अपडेट के अंदर कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला, ऐप ड्रॉअर या बाकी सेटिंग्स अगर आप देखोगे सब कुछ पहले जैसा ही है। इस अपडेट में मुझे कुछ भी न्यू देखने को यहाँ पे नहीं मिला, सजेशन से सब पिछले अपडेट में जो फिक्स कर दिया गया था प्रॉब्लम आ रहा था पहले, बट अभी इस अपडेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पे अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। तो ऐसे अभी भी जो है ये रोम आपको इनक्रिप्टेड ही मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टॉलेशन दोनों ही मिल जाएगा इनक्रिप्टेड या डिक्रिप्टेड का, तो देख लेना। बट सेटिंग में कोई चेंज नहीं है और फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। फिंगरप्रिंट को लेकर भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहा है, फेस अनलॉक भी और फिंगरप्रिंट भी। हाँ, एक चेंज आपको यहाँ पे मिलेगा लॉक स्क्रीन के अंदर जो आइकन यहाँ पे मिलता है, ये वाला जो आइकन दिया गया है लॉक वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ, आइकन स्टाइल थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ। इसका आइकन जो है अब पहले के मुकाबले थोड़ा अलग सा देखने को मिलेगा, तो चेंज हुआ ये आइकन। बाकी फिर यहाँ पे सेटिंग में जैसे कि बताया कोई चेंज हुआ नहीं है। और फिर नीचे आते हो तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा सेटिंग जो कार्ड स्टाइल में मिल रहा हो तो आपको बताया, बट एसेबिलिटी भी आपका देखोगे तो यहाँ पे भी अब कार्ड स्टाइल में ही सेटिंग पूरी मिल रही है, जैसे कि कार्ड स्टाइल अब काफ़ी जगह अप्लाई कर दिया गया है। और यहाँ पे जो जेस्चर दिया गया है, इस वाले जेस्चर के अंदर सिर्फ रिंगिंग का ऑप्शन रिमूव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एक रिंगिंग का ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका है इस अपडेट में। बाकी फिर एलेक्जर अपडेटर जो है जैसे पहले डिज़ाइन में मिलता था उसी तरीके से रहेगा, इसके अंदर ऐसा कोई चेंज हुआ नहीं। और एंड्रॉइड 13 की मुझे सेकेंड रोम लगती है, जो कि यहाँ पे जो है एनिमेशन के मामले में थोड़ा अच्छा मिल जाता है, उतना हैवी लैग नहीं मिलता बाकी की तरह। एक तो लीनेज ओएस 20.0 जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है एंड्रॉइड 13 में नोट 4 के अंदर, बाकी सेकंड इसका एनिमेशन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे भी ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी जो सेटिंग्स है सेम आती है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से वैसे आपको इतना हैवी लैग नहीं देखने को मिलता, काफ़ी लाइट सा जो नॉर्मल लैग रहता है उसी टाइप से रहता था यहाँ पे। हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से मेरे हिसाब से यहाँ पे लैग आपको नहीं देखने को मिलेगा। वॉल्यूम पैनल सेम है, वॉल्यूम पैनल में हालांकि दिक्कत नहीं है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे इसके ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग यहाँ पे जो है आपको स्मूथ ही मिल जाती है, बट डिले जैसे कि बताया डिले आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ऐप ओपनिंग के टाइम एनिमेशन लैग ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। ऐप ओपनिंग आपका स्मूथ रहता है, बस वही डिले देखने को ज़रूर मिलेगा। रिसेंट पर अब यहाँ पे थोड़ा सा मेमोरी इन्फो जो है क्लियर रोल पे ही ओवरले हो रहा है। बाकी अगर बात करें तो प्ले स्टोर हमारा यहाँ पे सर्टिफाइड मिल जाएगा, सेफ्टी नेट पास आता है, तो बिल्कुल आप बैंकिंग ऐप विदाउट रूट भी यूज़ कर पाओगे। और इसके अंदर यहाँ पे कैमरा अपर्चर वाला जो प्री इंस्टॉल पहले मिलता था उसी तरीके से अभी भी आपको मिल जाता है, बाकी जीके मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, FM नहीं मिलता इसके अंदर अभी भी। बाकी गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, और यहाँ पे एक स्ट्रीमिंग ऐप भी ऐड कर दिया गया म्यूज़िक का, यूट्यूब म्यूज़िक से ही एक तरीके से कनेक्ट है, तो यहाँ पे आपको जो है आपको स्ट्रीमिंग करने के लिए मिल जाएगा, ऑनलाइन म्यूज़िक आप जो है प्ले कर पाओगे फ्री में। तो ये कि आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाता है, ये ऐड किया गया फिलहाल इस अपडेट के अंदर में ही। कॉलिंग के अंदर में वॉल्टी काम कर रहे, कैरियर वीडियो कॉल का बग अभी भी मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे से काम कर रहा है, और कॉल रिकॉर्डिंग अलर्ट कर देता है बट वर्किंग रहेगा, और ब्लूटूथ डिवाइस की प्रॉब्लम जो पहले थी वही अभी भी है, यानी कि कॉलिंग के टाइम काम नहीं कर रहा है बट मीडिया में आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। एंटूटू स्कोर 124,524 है, पिछले में 123 था, यानी कि स्कोर में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता। और गेम स्पेस वो भी हालांकि आपको सेम ही मिल जाता है, तो गेम स्पेस के अंदर भी हमें ऐसा कोई चेंज देखने को इस अपडेट में नहीं मिलता है। और अगर बात करें ग्राफिक की तो वो भी फिलहाल सेम ही मिल जाएगा, तो हम इसके अंदर स्मूथ एंड एक्सट्रीम के अंदर खेलेंगे। और गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग देखो पहले भी आपको ठीक ठाक मिल जाता, ज़्यादा तगड़ा तो नहीं था बट अभी भी आपको उसी तरीके से गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इसके अंदर इम्प्रूव जो है जो हुआ है वो आपका यहाँ पे बैटरी बैकअप एक तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है पिछले अपडेट के मुकाबले। सेटिंग में कार्ड स्टाइल अप तो आपको काफ़ी ज़्यादा जगह देखने को मिलेगा, पहले कुछ कुछ जगह पर था, कुछ जगह पर नहीं था, तब जो जगह पर नहीं था उन पर भी अब धीरे धीरे ऐड होना स्टार्ट हो गया कार्ड स्टाइल सेटिंग्स। बाकी कुछ चीज़ें जो आपको देखने को मिलती वो ऐड हुई है, बट इंप्रूवमेंट आपको मेन बैटरी में थोड़ा मिलेगा। बाकी एनिमेशन या गेम की बात करें तो पहले जैसे ही रहेगा, उनमें कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलता। तो फिलहाल यही था आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।